फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डेटा की टाइप्स और डेटा की प्रॉपर्टीज़, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल एंड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिनीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप लोग देख सकते हैं, टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन मीनिंगफुल फॉर्म अपॉन विच पीपल कैन टेक डिसीजन इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, और एनीथिंग ऑन विच वी कैन टेक डिसीजन इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, और द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, और आउटपुट ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि डेटा को ऐसी तरतीब में लाना जिससे हम आसानी फ़ायदा उठा सके या फैसला ले सके, उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और या हम यू भी कह सकते हैं कि डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म जिससे हम फ़ायदा उठा सके या फैसला ले सके, उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेटा की वो प्रोसेस्ड फॉर्म जिससे हम फ़ायदा ले सकें और फैसला भी ले सकते हैं, वो फॉर्म हमारे साथ इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और ऐसा भी डिफिनीशन हो सकता है कि डेटा को ऐसी तरतीब में लाना जिससे हम फ़ायदा उठा सके या फैसला ले सके, उस डेटा की उस तरतीब को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जांपल्स में देख सकते हैं, विल्स के रिलेटेड एग्जांपल है, और इस एग्जांपल से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। बिल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं और मंथ के आखिर में एक बिल आता है जो कि यूनिट्स को प्रोसेस्ड करके, पूरा महीना यूनिट्स को प्रोसेस्ड करके आया हुआ होता है। और यहाँ प्रोसेस्ड का मतलब है कि अगर एक यूनिट की कीमत 10 रुपये है और हमने 100 यूनिट इस्तेमाल कर ली और 20 रुपये का गवर्नमेंट टैक्स है, तो 1020 रुपये का बिल आएगा। जो 1020 रुपये का बिल आया वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें 100 यूनिट्स और गवर्नमेंट टैक्स हमारे साथ डेटा है। और 100 यूनिट्स को 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करना और जमा 20 रुपये जमा करना, 20 रुपये का जो टैक्स आया उसको जमा करना, ये हमारे साथ एक प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन का जो और एडिशन का जो काम हुआ वो हमारे साथ एक प्रोसेस है। प्रोसेस होने के बाद जो बिल 1020 रुपये आता है वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन है। और दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जो कि लाइब्रेरी कार्ड के रिलेटेड एग्जांपल है, लाइब्रेरी कार्ड हमारे साथ इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि इसमें आपके डेटा को ऐसे अंदाज में दिया गया होता है कि हम उससे बआसानी से जान सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन से सेक्शन से हो और कौन से क्लास से हो। इसलिए लाइब्रेरी कार्ड इसलिए इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमने डिफिनीशन में पहले ही पढ़ा कि डेटा को ऐसे तरतीब में या ऐसे अंदाज में लिखना कि उससे हम आसानी या तो फ़ायदा उठा सके या उससे फैसला ले सके। तो लाइब्रेरी कार्ड से हम आसानी से फैसला ले सकते हैं कि एक कैंडिडेट का एक लाइब्रेरी कार्ड है तो वो कौन से सेक्शन से है, कौन से क्लास से है, उसका एज क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है। तो ये हमारे साथ इन्फॉर्मेशन हो गई। तो उम्मीद है आप लोग डिफिनीशन पर अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ में हमारे साथ सबसे पहले नंबर पर है इन्फॉर्मेशन एज इन प्रोसेस फॉर्म। इसका मतलब है कि डेटा को प्रोसेस करके हमारे साथ इन्फॉर्मेशन आता है, और या हम यू कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे साथ हमेशा प्रोसेस फॉर्म में ही होती है। और दूसरी नंबर पे है इट मस्ट बी मीनिंगफुल। डेटा को इस तरह से प्रोसेस करना कि वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाए, यानी उसका कोई मतलब हो, यानी बामानी रूप में आ जाए। इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि डेटा पर जितने भी प्रोसेसिंग हो जाए अगर वो मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है तो वो डेटा ही कहलाएगा, वो कभी इंफॉर्मेशन नहीं बन सकता जब तक उस पर सही तरह से प्रोसेसिंग ना की जाए। कि जब तक मेरा मतलब ये है कि डेटा को जब तक एक मीनिंगफुल फॉर्म नहीं दी जाती, चाहे उस पर जितने भी प्रोसेसिंग हो जाए वो डेटा ही रहेगा। अब आते हैं तीसरी इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जिसमें है कि इंफॉर्मेशन इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन से आसानी से हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, यानी कोई भी फैसला ले सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टीज़ में है इंफॉर्मेशन इज़ क्रिएटेड ईजीली। इंफॉर्मेशन हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन हमसे लॉस भी हो जाए, हमसे ज़ाया हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए कंप्यूटर में, तो हम डेटा को दोबारा प्रोसेस करके हासिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन दोबारा हम आसानी से हासिल कर सकते हैं डेटा को प्रोसेस करके, जो कि हमारे साथ पहले से ही पड़ा हुआ होता है, यानी
एक बार हम डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन हमसे लॉस्ट भी हो जाए, हमारे साथ मौजूद होता है डेटा जिसे हम दोबारा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अब आता है हमारे साथ आखिरी प्रॉपर्टीज़ है, इंफॉर्मेशन एज द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा कंप्यूटर का इनपुट होता है, और आप ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो प्रोसेसिंग करता है, इसी तरह इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का आउटपुट होता है। आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि डेटा को हम माउस या कीबोर्ड के ज़रिए एंटर करते हैं, जब वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है उसके बाद कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के ज़रिए हम उस पर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर हमें एक आउटपुट देता है, रिज़ल्ट देता है, उस रिज़ल्ट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोग प्रॉपर्टीज़ पर अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की तरफ। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टेप व्हिच इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। दिस स्टेप इंक्लूड प्रोसेसिंग साइकिल व्हिच आर गिवन बिलो। ओके, तो कहते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में हमारे साथ कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं डेटा को इंफॉर्मेशन में। तीन स्टेप्स है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये हमारे साथ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है। तो द डेटा इज़ कलेक्टेड एंड गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल, एग्जाम शीट्स। डेटा को क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि माउस या कीबोर्ड किसी भी इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम शीट्स, हमारे साथ स्टूडेंट्स ने पेपर दे दिए, जब स्टूडेंट्स ने पेपर दे दिए उसके नंबर्स हमने एंटर कर दी माउस या कीबोर्ड के ज़रिए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है प्रोसेस। कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है डेटा को टू जेनरेट इंफॉर्मेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन जेनरेट कर सके। जैसा कि एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि चेकिंग शीट एंड मेकिंग रिजल्ट्स, जो पहला एग्जांपल मैंने एग्जाम शीट का दे दिया उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी उस शीट को चेक करना ये भी एक प्रोसेस है, और रिज़ल्ट को प्रिपेयर करना ये भी एक प्रोसेस है, जो कि हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम प्रोसेसिंग करते हैं। जैसा कि एक्सेल में डेटा एंटर किया, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे भी हम सम का फार्मूला या कोई भी इक्वेशन अप्लाई करके हम उसमें प्रोसेसिंग करते हैं ताकि रिजल्ट ले सके। और अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि आउटपुट है। एज आउटपुट द इंफॉर्मेशन एज गिवन टू द यूज़र एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज इज ऑप्शनल। एग्जाम्पल, रिजल्ट शीट एज द आउटपुट। अब तीसरे स्टेप में जो कि हमारे साथ आउटपुट है, आउटपुट में कंप्यूटर हमें एक आउटपुट दे देता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमने प्रोसेसिंग कर ली, एक्सेल शीट, एक्सेल में वगैरह हमने इस्तेमाल कर लिया, एक रिज़ल्ट तैयार किए हो गया। तो हमारे साथ इस स्टेप में हमारे साथ ये होता है कि हम साथ, इसलिए ये पॉइंट ऑप्शनल है कि हम चाहे तो इन्फॉर्मेशन अपने साथ कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं और चाहे तो उसे एरेज भी कर सकते हैं। और एग्जांपल में हमारे साथ है कि रिज़ल्ट शीट, प्रोसेसिंग के बाद एक रिज़ल्ट शीट तैयार हो गया जो कि हमारे साथ एक आउटपुट है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमारे साथ है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, या बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के एकदम हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम है। इसी में वही स्टेप्स है, लेकिन ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनपुट डेटा है और उसके बाद प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारे साथ एक, और फिर उसके बाद हमारे साथ आता है आउटपुट जो कि हमारे साथ इन्फॉर्मेशन है। इनपुट डेटा हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट आ गया जो कि हमारे साथ इन्फॉर्मेशन होता है। और इसमें एक और बात भी है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल सिस्टम में, सॉरी, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में एक मॉडल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें एक बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20th सेंचुरी से पहले या 20th सेंचुरी तक कंप्यूटर का दौर नहीं था, तो इसलिए डेटा को मैन्युअली किया जाता था, हाथों से ही डेटा को प्रोसेस भी करते थे। यानी अगर हम वो रिज़ल्ट शीट का एग्जांपल ले लें तो हाथों से ही मार्क्स भी दे देते, चेक भी कर लेते और उसके रिज़ल्ट भी मतलब हाथों से ही प्रिपेयर कर लेते। अभी तो एक्सेल में, अभी तो जैसा कि दूसरे डेटा मॉडल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम।
अब हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, अब हम कंप्यूटर पे सब कुछ करते हैं, वो हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन एडिशन चाहे जो भी हो एक्सेल में वो हम कर सकते हैं और उसे इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसा कि एक्सेल में हम एक सेल पे फार्मूला अप्लाई करके और उसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे जो रोज होते या कॉलम होते उस पर फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इस कंप्यूटर ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर ली। तो ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।